नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि है आपका पासे से रिलेटेड, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, दर्रों से रिलेटेड। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक दर्रा क्या होता है? अ माउंटेन पास इज ए कनेक्टिविटी रूट थ्रू द माउंटेन रन, यानी पहाड़ों के बीच में से जाने वाला जो आपका संकरा रास्ता होता है। ठीक है, संकरा रास्ता जो है, जो कनेक्टिविटी रूट है, उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका माउंटेन पास बोला जाता है। इसको गिरिद्वार भी बोला जाता है, ढूरा भी बोला जाता है, और बहुत जगह इसको ला भी बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आपका बन के आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का बन के आता है? आपसे एक जो पास है उसका नाम आपसे पूछ लेंगे, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपसे यहाँ पे जो है वो आपका पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका बन के आता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास, केवल डिस्ट्रिक्ट में, आप समझिएगा इसको, याद भी आपको कैसे करना है। ये अभी हमने बात करी जो केवल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी जो इम्पोर्टेंट आपके पास है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है मैप के आधार पर, और मैं आपको एक अपनी तरफ से सजेशन दे दूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आप किसके साथ पढ़ें? आप मैप के साथ पढ़ें। किसके साथ पढ़ें? आप मैप के साथ पढ़ें। तो जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में आपका कौन सा आपका पास है? पिथौरागढ़ में आपका शिमला पास है। कौन सा पास है? शिमला जो पास है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका शिमला पास है। उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में, यानी एक जिले और राज्य के बीच में। अब जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे नीचे आपका क्या है, इधर आपका यूपी है, इधर हमारे पास क्या है, इधर आपके पास हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये दो हमारे जो स्टेट है, ये हमसे आपके कनेक्टिंग स्टेट है, हमारे नेबर स्टेट है। तो जो आपका ये उत्तरकाशी है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो आपका पास है वो कौन सा पास है? वो आपका श्रृंगकंठ पास है। कौन सा पास है? वो आपका श्रृंगकंठ जो पास है वो आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। फिर आगे हम चलें जो कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, यानी जो जिले और जिले के बीच में, वहां पर अगर हम बात करें पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में आपका क्या है? बाराहोती है, टोपीडुंगा है, लातू धुरा है, मारचियोग है। ये किस किस के बीच में है? ये पिथौरागढ़ और आपका चमोली के बीच में। फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में देखें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास है। कौन सा पास है? ट्रेल पास है। इसके अब देखिए ट्रेल के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आपका आता है कि किसने आपका किया था? 1830 में किया था, जो हमारे सेकंड कमिश्नर आपके थे, ठीक है। पहले गार्डनर थे, ई गार्डनर, दूसरे नंबर पे कौन थे? दूसरे नंबर पे आपके ट्रेल थे। तो ट्रेल ने इसकी खोज की थी, जो कि कहां पर है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। फिर पिथौरागढ़ और चंपावत की बात करें तो वहां पे लाजपा दर्रा है, लाजपा पास है। फिर चमोली और बागेश्वर, चमोली और बागेश्वर के बीच में आपका कौन सा, जो चमोली और बागेश्वर को आपका कनेक्ट करता है वो आपका सुंदरडूंगा पास है। फिर चमोली और उत्तरकाशी को जो आपका कनेक्ट करता है वो आपका कालिंदी है। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं? जो कि डिस्ट्रिक्ट और आपके जो आपका कंट्री के बीच में। जैसे यहां पर अगर हम देखें ऊपर हमारे पास क्या है? चाइना है, यानी तिब्बत है। इधर हमारे पास क्या है? नेपाल है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे उत्तरकाशी और चाइना के बीच में भी कुछ ना कुछ बनता होगा, चमोली और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ बनता होगा, पिथौरागढ़ और चाइना के बीच में बनता होगा। यहाँ पे तो एक इंपॉर्टेंट और है, जो तीनों के साथ आपका मिलता है, इधर चाइना के साथ भी, नेपाल के साथ भी, और इधर इंडिया के साथ भी। उसको अभी हम आगे जो है देखते रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा जो उत्तराखंड का जो जीके का कोर्स है वो इंग्लिश में लेना चाहें तो आप हमारी ऐप में जाके, हमारी ऐप का नाम है वेदासिन लर्निंग, वहां पर जाकर इसको हमारे कोर्स को ले सकते हैं। साथ में और भी आप जो पूरे कोर्सेज हैं उसको आप देख सकते हैं। चलते हैं हम, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपका जो है, हमने उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये आपका उत्तरकाशी और चमोली के बीच में आपका कालिंदी है, चमोली और जो आपका पिथौरागढ़ के बीच में आपके कौन कौन से हैं, चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन कौन से हैं, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में आपको कौन सा। तो इस तरीके से आप मैप के आधार पर जो है इसको आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट और कंट्री के बीच में, ठीक है, जो कि है तिब्बत और चाइना के बीच में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। जो मैंने आपको बताया था जो तीनों के साथ मिलता है वो लिपुलेख है, इसको आप याद करेंगे, लिख लें, ठीक है। लिपुलेख जो पास है ये तीन कंट्री के साथ आपका काम करता है, इंडिया, चाइना और नेपाल, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है, अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो लिपुलेख दर्रा है, उसके अलावा धारमा घाटी आपकी है, लंपिया है, नवी धुरा है,
उज्जयंती है, लेवी धुरा जो है ये आपके पिथौरागढ़ और चाइना तिब्बत के बीच में। फिर आप उत्तरकाशी में देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे सबके पीछे ला लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आपका शॉर्टकट, अगर आप उसको याद करना चाहें थांगला, मुलिंगला, नीलंगला, सांगचोपला, ये आपका उत्तरकाशी और चाइना के बीच में। फिर चमोली में देखें, चमोली में नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, माणा बहुत इंपॉर्टेंट है। माणा तो आपने अगर बात करेंगे बद्रीनाथ से आगे आप जाएंगे तो माणा जो गांव है वो सबसे अंतिम आपका गांव आएगा। फिर किंगरी बिंगरी है, बालचापुरा है, ठीक है, लैमलंग है, तंजुंग है, चौराहटी है, ये सारे के सारे आपके जो चमोली और चाइना के बीच में जो आपके हमारे पासेज हैं वो यहाँ पे हैं। इसको आप किस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको आप मैप में आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये कुछ इंडिया के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, इंडिया के रेस्पेक्ट में जो है वो आपको देखना है। जैसे जोजिला पास आपका कहाँ पर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कराकोरम है, ठीक है, सरसर पास है, फिर पारुलचा है, फिर ये नीति माणा, तो यहाँ पे सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में जो है, सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, रोहतांग पास आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा जो है वो आपको सिक्किम में, इस तरीके से आपको बोमडिला है, ये सारे आपको जो है वो आपको यहाँ पे पासेस जो है वो पासेस आपको पढ़ने हैं। बहुत बार यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका पासेस के ऊपर आपका बन के आ जाता है। इस तरीके से जो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर जो है पढ़नी आपको है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में अभी इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्वेरी होती है तो उस क्वेरी में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।